दोस्तों, गुडलक प्लांट के बारे में आज मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, क्योंकि मैंने कल भी आपको एक वीडियो में बताया था कि किस तरीके से कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि आपके लिए बहुत फलकारी हो सकते हैं या इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको मिलते हैं, और उसी कड़ी में आगे कुछ और ऐसे पौधे हैं जो आप अपने घर के अंदर लगा सकते हैं। देखिए, जेड प्लांट के बारे में मैं आज आपको बताता हूँ, क्योंकि ये ऐसा एक प्लांट है जो कि आपको बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप कहीं भी जाएंगे आपको आराम से ये मिल जाएगा। जिस प्लांट वाले से या जिस नर्सरी से आप ये प्लांट लेकर के आते हैं तो वो जेड प्लांट आपको बहुत ईजिली दे देगा। तो आप जेड प्लांट अपने घर के अंदर लगा सकते हैं, आपके घर के अंदर जो धन है, संपदा है, उसकी वृद्धि करने का काम करता है। दूसरा, शमी का पौधा, एक तो ये बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है, भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है, तो इसलिए आप उसको अपने घर में लगाएं, और इसके भी जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं वो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। स्पेशली अगर आपको किसी तरह की कोई आर्थिक समस्या है या इकोनॉमिकली आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा वीक महसूस कर रहे हैं, या आपको लगता है कि धन आपके घर में आता है लेकिन वो टिकता नहीं है, तो भी आप लगा सकते हैं अपने घर के अंदर ये प्लांट, और इसके भी जो पॉजिटिव रिजल्ट है वो आपको मिलेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो तीसरा पौधा है वो है तुलसी का पौधा। बहुत होली प्लांट है, ये आप अपने घर में जरूर लगाएं। साथ ही साथ इसका ध्यान जरूर रखें, क्योंकि ये पौधा सूखना नहीं चाहिए। अगर ये सूख रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपके घर के अंदर या तो वास्तु दोष है या आप सही तरह से उसकी देखभाल नहीं कर रहे हैं, और ये एक तरीके से नेगेटिव साइन हो सकता है आपके लिए। तो आप ये चीज ध्यान रखें, अपने जहन में रखें, आप ये काम ना करें। चौथा जो पौधा है वो है मनी प्लांट का, ये भी आप अपने घर में लगाएं, लेकिन आउटडोर और इंडोर दोनों में आपको ध्यान ये रखना है कि आउटडोर में जो आप प्लांट लगा रहे हैं उसके लिए आपके पास पर्याप्त जगह होनी चाहिए, और वहां पर इसकी जो बेल है वो हमेशा ऊपर की तरफ जानी चाहिए। और इंडोर प्लांट पे भी ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आप अंदर लगा रहे हैं तो आप इसको हमेशा किसी कांच के वेसल में ही लगाएं, इसको प्लास्टिक में ना लगाएं, क्योंकि इससे फिर आपको जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं वो मिलते हैं। और ध्यान ये भी रखना है कि कभी भी पीले पत्ते या फिर सूखता हुआ मनी प्लांट आपको नहीं रखना है घर के अंदर, चाहे आप इंडोर लगा रहे हो या आउटडोर लगा रहे हो। दोनों ही परिस्थितियों में ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपको नुकसान पहुंचाने वाला होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं, बेसिक प्लांट्स हैं जो मैंने आपको बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो आपके वेल्थ को बढ़ाने वाले होते हैं, तो उन पौधों के बारे में भी मैं आपको अगले वीडियोस में जानकारी देता रहूंगा। लेकिन अभी ये पांच प्लांट आप अपने घर में लगा सकते हैं अगर आपको लगता है आर्थिक तौर पर आप परेशान हो रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं।